केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि बुनियादी ढांचा अपने आप में आवश्यक कार्रवाई है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ भारत के ऐतिहासिक भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भाजपा की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी से में बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को सदस्य बनाया गया है। केंद्र सरकार चार्टर्ड प्लेन से आने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 अक्टूबर से पर्यटक वीजा देगी। कोविड दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। भारत में कोविड टीकाकरण में 93 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया है। स्वस्थ होने की दर 97.94% हुई। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ बना रहा है। कई समारोहों का आयोजन। प्रदेश में अब तक 5,94,49,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में वे दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि राज्य भर में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की सेवा 60 वर्ष तक जारी रहेगी।